हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले, एक बैड न्यूज़ आई है एशियन ग्रेनेटो के बारे में। काफ़ी बैड है और फिलहाल ये चीज़ बहुत पैनिक कर सकती है और भी इन्वेस्टर को, और बहुत खराब ये चीज़ हो रही है ये शेयर के साथ। और मैंने हमेशा से यही बोला था कि कभी भी किसी भी शेयर में एकदम से ये शेयर्स खरीदा मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज थोड़े थोड़े खरीदते हैं तो शायद आज जो इन्वेस्टर को लॉस हो रहा है वो नहीं होता। तो फिलहाल ये चीजें तो मैंने स्टार्टिंग से, अगर मेरा सुना होता तो शायद कम लॉस होता, क्योंकि ऑलरेडी मुझे परसेंटेज वाइज दिख रहा है ज्यादा, लेकिन वो मनी वाइज बहुत कम है एज पर। क्योंकि बहुत लोगों का मैंने देखा है कि लाखों में पैसा डाला, 15-16 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, इतना पैसा डाला है लोगों ने ये शेयर के अंदर। और वो टाइम पे वो मेरे चैनल से जुड़े नहीं थे, ये तो गारंटी है, क्योंकि वो टाइम से वो लोग नहीं है। जब उनका लॉस होने लगा, लोग मेरे पास लॉस के बाद आ रहे हैं, लॉस होने के बाद ही आ रहे हैं, ठीक है। और जब इसका राइट इशू का आया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे ज्यादा व्यू ऑनली नहीं आया करते थे, क्योंकि ऑलवेज इतना बड़ा चढ़ा के चीजें नहीं बताया करता था, सिर्फ राइट इशू के टाइम से लोगों का ध्यान गया मेरे चैनल पे और लोग आने लगे। और राइट इशू के टाइम पे भी मैंने यही बताया था, चाहे आप मेरा पहला राइट इशू का वीडियो देख लो, मैंने यही कहा था कि मैं राइट इशू बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शेयर गिर सकता है, ठीक है, मैं राइट इशू बेच रहा हूँ ये मैंने कहा था। और तभी मैं बेच ही रहा था और किसी ने मुझे कमेंट में भी पूछा है, मेरे पहले वीडियो में भी पूछा है कि ये शेयर गिर सकता है क्या, 63 तक जा सकता है क्या। तभी भी मैंने हाँ भी कहा था, ये जाने के चांसेस है, क्योंकि शेयर्स का भरोसा नहीं है, ये मार्केट है और मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि बोनस डिक्लेयर हो, डिविडेंड डिक्लेयर हो, राइट इशू डिक्लेयर हो, कुछ भी हो, मार्केट में करेक्शन थोड़ा बहुत आता है, शेयर में करेक्शन आता है और शेयर गिरता है और लॉस करता ही है। तो मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की थी, इस वजह से मैं बता रहा था। लेकिन मैं शेयर्स होल्ड भी करता हूँ कि यार गिरे भी ना तो भी मैं उसको और बाइंग करूंगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म जाना रहता है या शॉर्ट टर्म जाना रहता है, ठीक है। तो मैं होल्डिंग करने के हिसाब से ही बोलता हूँ कि यार शेयर गिरेगा, तो इस वजह से मैंने राइट इशू सेल कर दिए थे पूरे, ठीक है। लेकिन जस्ट एक रिक्वेस्ट के वजह से मैंने एक ही राइट इशू रखा, और वो भी जस्ट डेमो दिखाने के लिए, राइट इशू अप्लाई कैसे करते जिनको करना है, क्योंकि मेरे चैनल पे नॉलेज और एजुकेशन देना, और रियल एजुकेशन। अगर किसी ने, मैं वो टाइम पे भी राइट इशू के पूरे आप वीडियोस देखोगे तो उसमें हमेशा कहा है, अगर राइट इशू नहीं भी अप्लाई करते हो तभी भी ये शेयर नीचे आएगा तब खरीद लेना, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब ये था कि आप भी नहीं करते तो फायदा ही होता। देखो, आज जिसने राइट इशू अप्लाई नहीं किया होता उनको फायदा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये शेयर और भी सस्ते में मिल रहा है। और मेन चीज है कि यार आप पहले से ऑलरेडी फंस चुके हैं, अंदर जा चुके हैं, और ऑलरेडी आप ही नहीं तो मेरे भी शेयर्स है, लेकिन मेरा जितना लॉस हो रहा है उससे कहीं ज्यादा बहुत लोगों का लॉस होता रहेगा, तभी लोग ये चैनल पे आ रहे हैं और यहाँ पर ये सोल्यूशन हो देखना चाहते हैं, या यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि यार कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। देखो, यहाँ पर मैं रियलिटी बताता हूँ और पहले से रियलिटी ही बताते आ रहा हूँ कि मैंने हमेशा से जितने भी शेयर्स की वीडियो डाले, मैंने यही बोला है, किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचा करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया करो, क्योंकि कल मैनेजमेंट में क्या गड़बड़ी आ सकती है, कल क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। आज के दिन, आज ही ये चैनल पे, मेरे चैनल पे ये कल के वीडियो में एक कमेंट आया, रिसेंटली कमेंट आया कि यार आप जरा गहराई से उसमें देखो, शेयर के बारे में गहराई से जानो और देख लो कि क्या है, क्यों गिर रहा है। उनको ओवरऑल मार्केट गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, मुझे तो ओवरऑल मार्केट भी गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, सभी चीजें इंपैक्ट कर रही है कंटिन्यूसली। मैं 4 दिन से देख रहा हूँ मार्केट गिर रहा है, ठीक है, आज गुरुवार के दिन का वीडियो बना रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली 4 दिन से, और मार्केट 10-12% करेक्ट हो चुका है 1 महीने के अंदर। 12% अगर करेक्ट हुआ ना तो वो समझ लेना, या 12% गिरा ना तो आपके शेयर से ना 40% या 50% गिरेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी या मार्केट सेंसेक्स ये चीजें 1% या 2% बढ़ती है ना तो आपका शेयर 4-5% बढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका हमेशा ज्यादा ही होगा, बढ़ेगा तो ज्यादा बढ़ेगा, गिरेगा तो कम गिरे ज्यादा ही गिरेगा, ठीक है, क्योंकि उससे कई गुना वॉलेटाइल आपके शेयर्स होते हैं निफ्टी और सेंसेक्स से ज्यादा, ठीक है, मतलब मार्केट से, इंडिसेस से ज्यादा आपके जो शेयर्स होते हैं
वो ज्यादा वोलाटाइल होते हैं। तो मैंने हमेशा से ये चीज कही है, लेकिन किसी को कुछ भरोसा ज्यादा होता ही नहीं है। लोगों को जस्ट पॉजिटिव चीजें बोलो तो ही खुश होते हैं। कल की एक दिन न्यूज पॉजिटिव बता दी क्योंकि पॉजिटिव थी, ठीक है, आज नेगेटिव है, नेगेटिव बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हमेशा से मैंने दोनों चीजें सोचने के लिए कि यार मार्केट में ये सीख लो, ये चीजें हम सीखे, 8 साल ऐसे ही नहीं घसे, तो 8 साल में यही सीखा है कि यार मेरा शेयर मैंने आज इन्वेस्ट किया ना, कल पता नहीं वो शेयर का क्या हाल हो सकता है। शायद वो 90% तक मैंने अच्छे अच्छे शेयर चुने हुए 90% तक भी गिर चुके थे, लेकिन वो कुछ शेयर रहेंगे, सभी के सभी शेयर्स तो नहीं गिरेंगे। इसीलिए फंड को डाइवर्सिफाइड करना पड़ता है, शेयर को डाइवर्सिफाइड करना पड़ता है। एक ही शेयर में इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका करोड़ों का पोर्टफोलियो भी होगा, देखो ये शेयर में मैंने कल के दिन बताया था कि इसमें 1% की खाली इन्वेस्टमेंट है फॉरेन की इन्वेस्टर की, 1% की, ठीक है, बाकी की ज्यादा से ज्यादा पब्लिक की है, और 29% की थी प्रमोटर की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किसने किया? पब्लिक ने, तो इसीलिए पब्लिक ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो मेन चीज मुझे यही बताना है कि यार आपको ये समझना आना चाहिए कि आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए। आप इतने ज्यादा क्वांटिटीज में खरीद लेते हो कि बाद में उसको एवरेज भी नहीं कर सकते। आपके पास करोड़ों रुपया है क्या कि आप उसको एवरेज करो कि चलो लाखों डाल दिया तो करोड़ों रुपया भी रहना चाहिए कि वो शेयर से प्रॉफिट में निकलने के लिए, नहीं तो लाखों रुपए का लॉस पकड़ के चलो, ये लॉस ले लो और निकलो। मेन चीज ये होती है। और आप सोचते हो कि शेयर मार्केट से ओनली प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये चीज आपके लिए नहीं है। शेयर मार्केट, ये शेयर मार्केट रिस्क का मार्केट है। यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पर प्रॉफिट भी है, यहाँ पर लॉस भी है, दोनों चीजें होगी। यहाँ पर एक ही चीज नहीं होगी कि आपने पैसा डाल दिया, मतलब वो मार्केट वेट नहीं कर रहा था कि आप पैसा डालो और आपका पैसा बढ़ा के आपको करोड़पति बना देगा। ये उसने सपना नहीं देखा, सपने आपके, ठीक है। तो आपको लगता है कि शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लेकिन मेन चीज है कि मार्केट हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इसीलिए फंड को डाइवर्सिफाइड करो, अलग अलग शेयर्स में डालो। आपको मैं बता देता हूँ, ये शेयर ने मुझे अगर लॉस दिया है तो कोई शेयर्स ने मुझे मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दे रहा है, और वो भी चीज मैं बता दूंगा। मेरा सभी शेयर्स गिर रहे हैं, लेकिन एक ITC शेयर है, उसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। ITC मेरा बढ़ते जा रहा है, आज वो 35-36% ऊपर है, और बाकी और बहुत सारे है कि मल्टीबैगर रिटर्न्स है और लॉन्ग टर्म के फंड है, वो अच्छे खासे चल रहे हैं। मैंने लॉन्ग टर्म के फंड का भी मैंने वीडियो बनाया था। लोग वो चीज को नहीं देख रहे कि यार सच में प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं। मेन चीज है कि नेगेटिव चीज दिख रही है तो उनको वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन मेरे मेरा डाइवर्सिफ, मैं चार चार अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, चार चार पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ। हर एक पोर्टफोलियो में 15-20 शेयर्स हैं, ठीक है, और सभी शेयर्स को मैंने आपके सामने लाए हैं। तो आपके सामने जस्ट एक ही शेयर मेरे, मैं खुद बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लॉस देने वाला यही मेरा शेयर है। लॉस देने वाला मतलब परसेंटेज वाइज, ठीक है, कैपिटल वाइज इतना लॉस नहीं है जितना परसेंटेज वाइज लॉस है, क्योंकि मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट मैंने सबसे ज्यादा, अगर मेरे पोर्टफोलियो का मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट गया है तो एक ही शेयर में ज्यादा है वो, और वो भी इतना भी ज्यादा नहीं लेकिन ज्यादा है, बाकी शेयरों से ज्यादा है। वो है हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप में मेरा सबसे, देखो एक शेयर वो 2,500 का है, वो शेयर में सबसे ज्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट किया। उस शेयर ने भी अप एंड डाउन बहुत दिखा है, उसके बारे में भी सेम टू सेम न्यूज है, उसका भी न्यूज में बताने वाला और उसकी भी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो मेन चीज है कि जिस किसी ने मुझे कमेंट पे बताया है उन्हीं के लिए मेन चीज ये मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि गहराई में बताओ, मैं गहराई में, चलो ये शेयर के गहराई में भी जाता हूँ कि यार ये प्रॉफिट अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है। गहराई में जाने के लिए इनसाइडर न्यूज चाहिए मुझे, जाके ना मैनेजमेंट में काम करना पड़ेगा, एशियन ग्रेनाइटों के मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, और फिर मैनेजमेंट में घुसने के बाद फिर मुझे आपको हर एक चीज की खबर देनी पड़ेगी कि अभी ये शेयर ये हो रहा है। लेकिन आप इनसाइडर ट्रेडिंग या इनसाइडर न्यूज भी होगा आप फैला नहीं सकते, मैनेजमेंट बता भी नहीं सकता। अभी एक्सिस बैंक का एक गड़बड़ी, म्यूचुअल फंड की गड़बड़ी का आपको पता चला होगा, अगर आप मार्केट में हो, अवेयर हो तो पता चला होगा कि यार म्यूचुअल फंड ने लीक की, न्यूज लीक की, यार ये शेयर में हम लोग इन्वेस्ट करने वाले, ये फंड में हम इन्वेस्ट करने वाले, ये लीक करना भी गैरकानूनी है। अगर मैं आपको बता दूं कि यार पहले से ही जो चीजें हमको बाद में पता चलेगी, हमको पहले, हम इन्वेस्टर से, इन्वेस्टर को हम इनसाइडर लोग नहीं है,
इनसाइडर अंदर काम कर नहीं रहे, ठीक है, तो अंदर की गहराई में भी घुस जाओगे, कुछ भी करोगे, हमको ऊपर ऊपर का ही नजर आएगा, अंदर क्या चल रहा है नहीं नजर आएगा। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि भैया आराम से पैसा लगाओ, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाओ, ठीक है, किसी भी शेयर्स में एकदम लालच में मत जाओ। कोई भी शेयर आपको इतना इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, कितना भी कोई कुछ बोले। कितने यूट्यूबर लोगों का मैंने सुना है कि यार लोगों को बहुत बहकाते, ऐसा करो वैसा करो। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, आप भी इन्वेस्टेड हो, आप लॉस कर रहे हो तो मैं भी, लेकिन आप मेरे से पहले ही कहीं ना कहीं से सुन के आपने इन्वेस्ट किया है, मेरा सुन के इन्वेस्ट करते तो शायद थोड़ा कम लॉस होता। क्यों लॉस कम होता? क्योंकि मैंने जब से बताया तब से तो आप इन्वेस्टेड नहीं रहोगे, ठीक है, या थोड़ा थोड़ा करते तो शायद आपको और एवरेज अच्छा खासा हो जाता और थोड़ा कम ही होता। और थोड़ा थोड़ा करने की वजह से सोच लो कि अगर पाँच 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 करते हर महीने भी, ठीक है, तो 50-60 हज़ार ही इन्वेस्टमेंट होते हैं, या फिर 20-25 हज़ार इन्वेस्टमेंट होते हैं 5-6 महीने के अंदर, ठीक है। लेकिन आपका एवरेज प्राइस बहुत अच्छा होता क्योंकि आप गिरते हुए मार्केट में खरीद रहे थे, गिर रहा था तभी, तो एवरेज प्राइस भी अच्छा हो जाता। आपने खरीदा है पहले ही किसी के बोलने पे खरीदा है, या किसी का सुनने पे खरीदा है, या न्यूज देख के खरीदा है, टीवी के न्यूज वालों को भी इतनी गहराई की खबर नहीं रहती, इनसाइडर खबर नहीं रहती, वो आपको 5 मिनट पहले बता देगा, आप 5 मिनट पहले क्या कर लोगे, ठीक है, या आप उतना दिन उतना टाइम आपके आप वही शेयर को देखते रह सकते हो, ऐसा भी नहीं है। ये शेयर की न्यूज सुबह ही आई, ठीक है, सुबह के बाद जैसी न्यूज आई लोगों ने बेचना, जो दिन रात वो शेयर मार्केट का ही कंटिन्यूसली करते रहते देखते रहते बेच देते अगर वो ट्रेडिंग कर रहे तो। लेकिन कुछ लोग लॉस में निकल जाते, कुछ लोग प्रॉफिट का वेट करते बैठते, तो हम तो प्रॉफिट के, देखो मैंने हमेशा से बोला है कि मैंने 98% तक लॉस देखा है। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने 100 रुपए की वैल्यू को 2 रुपया होते हुए देखा है। 98% गिरना मतलब 100 की वैल्यू 2 रुपये हो गई, ये आपने कभी नहीं देखा रहेगा, ये चीज मैंने देखी है। 100 की वैल्यू 2 रुपए हो गए, अभी 2 रुपए की वैल्यू का मैंने फिर से 100 को कर दिया, या मैंने उसको पूरा लॉस निकाल के उसको प्रॉफिट में ले लिया, इससे बड़ा तो मेरे लिए अचीवमेंट नहीं होगा। और इसी वजह से ये चीज मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि यार मैंने बहुत अच्छे अच्छे शेयरों को देखा है। इवन यस बैंक भी 600-700 का शेयर हुआ करता था, वो भी 1-2 रुपए पे आ गया था, अगर आपको प्राइस करेक्टली पता होगा तो, कितना तक डाउनफॉल आया था उसको, 2 रुपए से फिर स्पीड में भाग के 12-13 रुपए हो गया। 600-700 रुपए का शेयर 2 रुपए हो गया था, यस बैंक को कौन बोलता था खराब शेयर है? कोई नहीं बोला करता था, किसी ने नहीं बोला था। उसने मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुई, कुछ ना कुछ घोटाला किया उन्होंने, जैसे ऐसे बिजनेस वालों को पैसा दिया कि वो लोग चुकाते नहीं है, ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, वो मैनेजमेंट की गड़बड़ी है। ऐसे लोग आपको लोन देने के लिए वो 10 बार सोचेंगे, लेकिन बड़े बिजनेसमैन को लोन देने के लिए वो लोग नहीं सोचते। सभी बैंक रेडी हो जाते, 10-10 बैंक, 20-20 बैंक रेडी हो जाते, कोई 5 करोड़ दे रहा है, कोई 10 करोड़ दे रहा है, कोई 100 करोड़ दे रहा है, कोई 200 करोड़ दे रहा है, कोई 5,000 करोड़ दे रहा है, कुछ भी जो भी आंकड़ा वो मांगेंगे, हर एक अपना अपने हिसाब से देते और लॉस करते, और जो ज्यादा पैसा देता है वो ज्यादा लॉस करता है। और यस बैंक DHFL ने डुबाया, DHFL को भी उसने दिया था, DHFL को डूब गया, और इसको भी यस बैंक की भी हालत खराब कर दी, ठीक है। तो ऐसा होता है, मेन चीज होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो इतना मत ब्लाइंडली ट्रस्ट करो यार कि ये शेयर मुझे प्रॉफिट जरूर देगा ही देगा, वो लॉस भी दे सकता है, बट वो लॉस देगा तो आप निकल सकते हो कि नहीं, ऐसे इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? ये स्ट्रेटेजी तो मैं हमेशा से ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा 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 करते जाओ, शायद आपका लॉस जो 90% दिखता था वो शायद आपको 50-60%, और 50% अगर गिरता है इसका मतलब होता है कि शेयर को डबल होना पड़ेगा। अगर 100 का 50% दिख रहा है आपका, 100 का 50 हुआ है, तो 50 को 100 होने के लिए डबल होना पड़ेगा, यानी 100%। लेकिन 50 का 100 का अगर आपका 90 हुआ ना तो बहुत हालत खराब है। 100 का अगर आपका 90% गिरेगा यानी 10 रुपया हो गया, तो 10 का आपको 100 होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो 10 रुपया मत होने दो, या 2 रुपया मत होने दो, 98% भी मत गिरने दो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा थोड़ा थोड़ा खरीदते जाओ, यही स्ट्रेटजी होती है कि अगर आपको लॉस से बचना है तो, नहीं तो बहुत बुरे हाल से आप मार्केट में जिंदा सरवाइव भी नहीं कर सकते। और ये मार्केट से, ये शेयर से जो बचाना वो समझ लो कि आगे फ्यूचर में बहुत कुछ सीख गया और आगे जाके बहुत अच्छा वेल्थ कमा लेगा, ठीक है। एक शेयर लॉस दे रहा है लेकिन बाकी के शेयर प्रॉफिट देना चाहिए, ऐसा आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है। या फिर
उस शेयर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो तो आपको हमेशा देखो, यहां से मुझे यही बताना है कि ये शेयर अभी आगे क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये आगे, अभी इसमें ये न्यूज आ गई कि इनकम टैक्स की रेट पड़ गई 6%, ये गिर गया, ये बैड न्यूज है। और यहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं कि रिपोर्ट सेड द टैक्स अथॉरिटी वॉज रेडिंग 35 प्रीमाइसेस। देखो इनके जो 35 प्रीमाइसेस ऑफिस है जो भी है अक्रॉस गुजरात इंक्लूडिंग दोस्त एशियन ग्रेनाइटो के, सब सबको ये सब पे रेड कर रहे हैं। और रीजन क्या है रेड का ये भी देख लो, शेयर ऑफ एशियन ग्रेनाइटो फेल ओवर 6% ऑन 26 मई को, क्योंकि रिपोर्टेड दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज करंटली राइडिंग द प्रीमाइसेस ऑफ द कंपनी। द रिपोर्टेड रिपोर्ट सेड दैट टैक्स अथॉरिटी वॉज राइडिंग ओवर 35 प्रीमाइसेस अक्रॉस गुजरात इंक्लूडिंग दोज ऑफ एशियन ग्रेनाइटो। द रेड बाय द टैक्स अथॉरिटी कम्स डेज आफ्टर द कंपनी कंप्लीटेड लैंड एक्विजिशन। ये यहां पर ध्यान रखो, कब ये रेड पड़ी, कंपनी ने जब कंप्लीटेड किया लैंड एक्विजिशन फॉर ऑल थ्री ऑफ इट्स ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन मोरबी गुजरात। गुजरात के अंदर जब उन्होंने लैंड एक्विजिशन किया तभी इनकम टैक्स की रेड पड़ी। यानी मैंने पहले बोला था कि और उनका प्लान चल रहा है, प्लांटेशन डालना है उनको, बिजनेस ग्रो करना है। तो मेन होता है कि यार इनके पास इतना पैसा है, देखो राइट इश्यू से उनको पैसा तो मिला, ठीक है, फिर भी इनकम टैक्स देखती है कि प्रॉपरली, और प्रॉफिट भी दिखाया उन्होंने, ठीक है, सारी चीजें देखती है कि ये प्रॉपरली है क्या नहीं, या कुछ गड़बड़ी है ना, और शेयर भी काफी गिर रहा है, या कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना ये कंपनी में, ये मैनेजमेंट में, ये देखने के लिए इनकम टैक्स ने रेड डाल दी। अभी रेड डाल दी मतलब आगे जाके इन्वेस्टर को प्रॉब्लम ना हो, फिलहाल तो इनके न्यूज की वजह से भी इन्वेस्टर को अभी प्रॉब्लम होगा कि शेयर आज गिरा है कल भी गिरेगा, या ऑलरेडी तो गिरते ही आ रहा था, लेकिन ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। शेयर ऑफ एशियन ग्रेनाइटो हैव फॉलन 53%। देखो 2022 में ये 53%, जब से 2022 स्टार्ट हुआ ये 53% गिर चुका है, और 60% गिरा है एक साल के अंदर, टोटल एक साल के अंदर 60% गिरा है, ठीक है। और फॉर द क्वार्टर एंडेड ये बता रहा है कि मार्च के एंडेड में 10% ये गिर चुका है। ये काफी गिरावट ये शेयर में देखने मिली है। और यहां पर जो भी है, यहां पर मैंने, यहां पर क्या होता है, सीबीआई अरेस्ट अबिल ग्रुप चेयरमैन अवनीश भोसले इन यस बैंक डीएचएफएल स्कैम्स केस। यहां पर ये इस तरीके के देखो यस बैंक के बारे में भी है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक भी होती है बहुत सारी चीजें। और मेन चीज क्या है यहाँ पर कि ये चीज कोई नहीं पकड़ सकता, ये चीज कोई नहीं बता सकता। देखो यहाँ पर एक डीएचएफएल का भी ये गड़बड़ी का बता रहा है, और मैंने ये बता दिया कि डीएचएफएल भी इसी वजह से डूब गया और यस बैंक भी उसी की वजह से डूब गया, यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर। तो मेन चीज दोनों खतरे में, ठीक है। तो यहां पर ये सेकेंड न्यूज है ऑलरेडी, ठीक है, और ये फर्स्ट न्यूज है। तो हमने ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि गड़बड़ी हर किसी चीज में हो सकती है। आप मत सोचो कि यार आपका शेयर हमेशा प्योर एंड सब कुछ उसमें अच्छा ही रहेगा। यहां पर मैं दूसरा भी चीज दिखा देता हूं, यहां पर ये हीरो मोटोकॉप है, ये देखो इस पर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी 1000 करोड़ का, इलीगल एक्सपेंसेस उन्होंने दिखाए थे, और ये भी शेयर में होल्ड करता हूं। ये शेयर ने भी मुझे 17-18%, मेरा शेयर ये प्रॉफिट में था, वहां से ये 18% माइनस में चला गया, मतलब मेरा 18% प्रॉफिट तो गया ही गया, प्लस 17-18% और डाउन में गया, ये कुछ ही दिन में, एक ही दिन में नहीं हुआ। तो मतलब सोच लो कि वो शेयर 30-35% तो खाली हो गया, गिर गया। तो वहां पर मुझे जो प्रॉफिट दिख रहा था अच्छा खासा वो चला गया। और ये न्यूज तो मुझे बोल के नहीं आई, मैं तो यहां पर काम नहीं करता, ठीक है, ये न्यूज आई वहां से, लोगों ने बेचना चालू किया, लेकिन मैं इन्वेस्टर हूं, ये चीज को मैंने फिर से होल्ड किया। आज हीरो मोटो को आपका शेयर दिखा देता हूं, आज प्रॉफिट में मेरे 2500 की उसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 2500 की इन्वेस्टमेंट है, ये यहां तक गया था 2146, और हाई गया था यहां तक, हाई तक भी पहुंच गया था मैं, ठीक है, हाई तक पहुंच गया था और ये लो तक भी पहुंच गया था, दोनों चीजें देखिए अभी बीचों बीच है। और मेरे 2500 की इन्वेस्टमेंट है, अभी 4% प्रॉफिट में हूँ, और पहले मैं 17-18% लॉस में दिख रहा था,
ठीक है, ढाई से आप 16-17% माइनस करके देख लो या 17-18 माइनस करके देख लो, आपको मिल जाएगा कि मेरा क्या प्राइस हो सकता है। तो फिलहाल मैं 2.5 के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ, 2,500 के आसपास मेरा, और सबसे ज्यादा इसमें इन्वेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर मैं ये चीज इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखो हर एक चीज पॉसिबल है। रेड की न्यूज आई, ये शेयर गिर गया और इसने मुझे लॉस दिखाया, लेकिन आज मैं फिर से प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। और देखो 1,000 करोड़ का इसने इलीगल एक्सपेंसेस दिखाया, बड़ी कंपनी है, शेयर ही इतना महंगा है, ठीक है। और ये शेयर में फिर डिक्लाइनिंग आया, काफी गिर गया ये शेयर इनका। अभी यहाँ पर कितने ऑफिसेस यहाँ पर उन्होंने वहां पर रेट डाली, यहाँ पर ये देख लो, ठीक है। और कैश के ट्रांजेक्शन वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दिखाई है, और इलीगल चीजें देखो यहाँ पर भी 35 प्रीमाइसेस कवरिंग मोर देन 35, 35 ऑफिसेस से ज्यादा ये यहाँ पर उन्होंने रेट डाल दी। 800 करोड़ का यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्या एक्सपेंडिचर एग्रीगेटिंग टू ओवर 800 करोड़ हैज बिन बुक इन अ गेस ऑफ परचेज सर्विस फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट मैनेजमेंट एंटिटी। इट सेड एडेड दैट कंपनी हैज शिपॉन, ठीक है, ऑफ मनी बाय वे ऑफ लेयरिंग। तो किसी ना किसी वे से या एक्सपेंसेस के थ्रू ये कंपनी ने झोल किया है 1,000 करोड़ का, इस वजह से इन पर भी एक्शन हुआ। एक्शन किसी पे भी हो सकता है, कोई कितनी भी बड़ी कंपनी हो, ये आपको मेरे को बोल के नहीं आएगी। आपका लॉस होना है तो होगा ही, बट पेशेंस रखोगे तो फिर से रिकवर होगा। जैसे ये 2100 गया था तभी मेरा जबरदस्त लॉस था, आज ये फिर से प्रॉफिट में आ गया, तो मैंने पेशेंस रखा और आ गया, ठीक है। और यहाँ पर वो देख सकते हो ये अप एंड डाउन इसमें काफी हुआ था, ये अपसाइड भी मैंने देखा था ये शेयर में, फिर ये डाउनसाइड भी देखा, फिर से आया ये अपसाइड। शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में हम काम कर रहे हैं, बिजनेस है एक टाइप का, प्रॉफिट एंड लॉस होगा ही। आप एफडी थोड़ी अकाउंट खोले कि यहाँ पर आपको जस्ट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखेगा, आपका इनकम बढ़ते हुए देखेगा या इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखेगा, या सेविंग अकाउंट नहीं है ये आपका, ये डिमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ये बिजनेस के लिए, यहाँ पर बाइंग सेलिंग होती है। और आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, एक एक कोई प्रोड्यूसर किसी फिल्म पे पैसा लगाता है, वो उसको पता नहीं होता है वो फिल्म फ्लॉप होगी या सक्सेस होगी। या तो कितने भी बड़े स्टार को लेके काम करो, वो फ्लॉप भी हो सकती है या सक्सेस भी हो सकती है, दोनों चांसेस है। अच्छी से अच्छी मूवी फ्लॉप हो जाती है, लेकिन आप प्रोड्यूसर हो, आपने पैसा लगाया है। इसी तरीके के यही चीज आप समझ लो कि क्या हो सकता है वो शेयर के साथ, कोई नहीं बोल सकता आपको फायदा ही देगा या नुकसान देगा। अगर आप उसके बिजनेस पे, यहाँ पर शेयर मार्केट एक चांस देता है कि आप पेशेंस रखोगे तो आपका लॉस शायद रिकवर हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेटेजी रखोगे कि उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओगे तो शायद वो आगे जाके आपका जो लॉस था वो कवर करके, मतलब आप समझ लो कि 7-8 लाख का लॉस हो रहा है या 10-5 लाख 4-5 लाख का लॉस हो रहा है, वो लॉस आपको नहीं लेना है। आप वेट कर रहे हो तो 5 लाख का प्रॉफिट ले लोगे, क्योंकि 5 लाख कमाने के लिए काफी वक्त लगता है, या 10 लाख कमाने के लिए वक्त लगता है। लेकिन वही चीज आपको फिर से वो गवाने से अच्छा है, आप अगर पेशेंस रखोगे तो पेशेंस से वो पैसे फिर से रिटर्न आ जाएंगे। तो आपको मेन ये चीज करना है। देखो मैं कितनी भी गहराई में जाऊं, मैं कंपनी के अंदर घुस तो नहीं सकता, मैं चलो ये शेयर की गहराई में जाऊंगा, डीप में जाऊंगा, सारी चीजें करूंगा, लेकिन मैं मैनेजमेंट में तो घुस नहीं सकता ना कि मैनेजमेंट क्या होने वाला है। मैनेजमेंट में घुस भी गया तो मैं आपको एक खबर ही नहीं दे सकता, ये इलीगल हो गई ये चीज। मैंने पहले ही बता दिया चलो यार शेयर में ऐसा होने वाला है तो आप बेच दोगे, तो मैंने गलत चीज किया। इनसाइडर ट्रेडिंग या इनसाइडर ये चीजें फैलाना गलत है, गैर कानूनी है, इसके वजह से शेयर्स गिरते हैं। तो ये चीज हम कर भी नहीं सकते, ठीक है, या मैनेजमेंट से कोई भी नहीं कर सकता, तो ये इलीगल होता है। लेकिन खबरें आजकल पहुंच जाती है, इसी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर सेल करना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर ये पता चलता है कि ये मैनेजमेंट ने यहां तक पहुंचा दी ये खबर, तो ये रॉन्ग होता है। तो बहुत सारी चीजें गलत होती है मार्केट में, और हमको ये नहीं पता कि यार शेयर कहाँ से कहाँ जा सकता है, उसका अपसाइड कितना डाउनसाइड कितना, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल अच्छे है, कंपनी कमा रही है, बिजनेस अच्छा कर रही है, तो ये इसका फ्यूचर ब्राइट है, इतना सोच के चल सकते हैं। अगर कंपनी लॉस कर रही है, कंटिन्यूसली लॉस कर रही है, इसका फ्यूचर गया खड्डे में, वो बर्बाद होने वाली, बंद होने वाली कंपनी, ये होता है।
यही हम अज्यूम करके चल सकते हैं, और यही चीज मैं अज्यूम करता हूँ, बहुत सिंपल है, इतना ही सिंपल लॉजिक लगाना है कि यार कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, बस इतना लॉजिक लगा दो। हाँ कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो बाकी चीजें छोड़ दो, आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम में से बाहर आएगी और आपको प्रॉफिट देगी, आपको भी प्रॉफिट देगी, आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी प्रॉफिट देगी। अगर कंपनी ही लॉस करना चालू कर दी, उसके फाइनेंशियल भी खराब हो गए, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो मेन चीज है कि आप कंपनी में फंडामेंटल देख के घुसो। मुझे कहा कि यार सब कुछ अच्छा है तो खराबी क्या है, डिटेल में बताओ खराबी क्या है। खराबी मार्केट में अकाउंट खोलना ही खराबी है, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही खराबी है। लोग शेयर मार्केट को इसी ऐसी बदनाम नहीं करते यार, शेयर मार्केट बहुत खराब चीज है, सट्टा है, ऐसा है वैसा है, मार्केट इसीलिए बर्बाद खराब, इसका नाम खराब नहीं हुआ है। ठीक है, बदनाम नहीं है, इसको बदनाम इसी वजह से किया है क्योंकि लोगों ने देखा है, लोगों ने लाखों रुपए लालच में आके पैसे लगाए। जब मैंने सबसे पहले मार्केट का सुना था, तब मेरे दोस्त ने मुझे किंग फिशर के शेयर लेने गए थे, और मेरा तभी डीमैट अकाउंट नहीं था, तो 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तभी मैंने दोस्त को पैसे दिए कि यार उसके पास डीमैट अकाउंट था, तो उसने बोला, तो उसके अकाउंट में मैंने डीमैट अकाउंट में पैसे डाले, मतलब उसको पैसे दिए, उसको बोला मेरे नाम से भी शेयर खरीद, जो भी प्रॉफिट होगा मुझे दे देना और मेरा इन्वेस्टमेंट दे देना। तो वो शेयर गायब ही हो गया, किंगफिशर है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है। तभी 100 रुपए का शेयर हुआ करता था वो किंगफिशर का, गायब हो गया, वो बर्बाद हो गया। यहां पर मुझे यही बताना है कि ये चीजें मैंने लाइफ में सीखी है, गलतियां करो सीखो। अभी जो जिसने ज्यादा से ज्यादा इसमें पैसे लगाए रहेगा, वो सीखता रहेगा कि यार गलत किया मैंने, डिसीजन मेरा गलत रहा, मुझे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था कंपनी पे, या इतना भरोसा नहीं करना चाहिए थे। अभी उनको वेट करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, मुझे इवन मुझे भी वेट करना पड़ेगा, लेकिन मेरा इतना लॉस नहीं है कि जितना मुझे पैनिक होने की जरूरत है। मैं इतना पैनिक नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी मेरे कहीं ना कहीं बहुत सारे शेयर है जो प्रॉफिट में है, कुछ कुछ ही शेयर ज्यादा गिरे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा यही है, बाकी तो मुझे प्रॉफिट में ही दिख रहे, या बहुत सारे आसपास ही है, प्रॉफिट के आसपास है या वो प्राइस के आसपास है, तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेन चीज है कि कोई तो एक शेयर होता है कि वो आपका पूरा लॉस करने के पीछे रहता है, लेकिन उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप इक्वली सब में इन्वेस्ट भी करोगे तभी आप बच सकते हो। आपके 10 शेयर में से एक ही शेयर 50% गिरा है, और बाकी के शेयर 10%, 20%, और बाकी के शेयर कौन से प्रॉफिट में, तो आपका पोर्टफोलियो में बता दूं बहुत पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, या 10% गिरा हुआ दिखेगा या 5% गिरा हुआ दिखेगा, और बाकी के शेयर क्योंकि जो पॉजिटिव है वो 50% को ऊपर ला रहे हैं, 50% लॉस को ऊपर दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक शेयर ने लॉस किया लेकिन बाकी के शेयर प्रॉफिट करेंगे, तो बाद में वो 9 शेयर आपके प्रॉफिट में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप कंप्लीटली प्रॉफिट ही दिखेगा आपका। ठीक है, तो मेन चीज है कि इक्वली इक्वली भी सब में पैसा लगाओगे, 10-10 10-10 हजार भी हर एक में लगाओगे, एक एक शेयर का 10 हजार का 5 हजार हो गया, और बाकी 9 शेयर के 10-10 हजार के 20-20 हो गए, क्या 15-15 हो गए, आप प्रॉफिट में ही हो। तो ये समझ लो, यही स्ट्रेटेजी होती है, तो आपकी स्ट्रेटेजी रॉन्ग हो रही है, आपकी सोच रॉन्ग हो रही है। यहां पर मैं इन्वेस्टर का पैसा बचे या इन्वेस्टर को हेल्प हो ऐसा कमेंट में बोला है। ठीक है, कि यार आप ऐसे मतलब ये करो जिससे इन्वेस्टर का उससे पैसा या नुकसान होने से बचे। अभी इन्वेस्टर का नुकसान होने से इवन खुद गवर्नमेंट नहीं बचा सकती। एलआईसी, एलआईसी किसने किसकी है, गवर्नमेंट कंपनी है, इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा लॉस एलआईसी ने करा दिया। एलआईसी के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया, लोग देखते ही नहीं, पसंद ही नहीं है, जो सही बता रहे हैं लोग उसी को ज्यादा पसंद कर रहे जो गलत बता रहे हैं। मैंने ये चीज बताई थी कि यार एलआईसी के ग्रे मार्केट प्रीमियम खराब है, लेकिन आपको लेना है तो ले सकते, कंपनी अच्छी है, या फिर आप आईपीओ के थ्रू, मैंने तो नहीं अप्लाई किया, आईपीओ के थ्रू लेना है तो लो, नहीं तो मार्केट में आएगा तब ले लो, थोड़ा थोड़ा करके ले लेना। एक चीज सिंपल है कि आपको लेना है कोई भी शेयर तो थोड़ा थोड़ा करके लो, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं है, ओवरऑल मार्केट खराब है, वॉर चल रहा है, किसी को पता ही नहीं कि क्यों क्या हो रहा है, मार्केट में ये शेयर क्यों गिर रहा है किसी को ये ही नहीं पता,
कि शेयर मार्केट गिर रहा है तो उसके पीछे ओवरऑल मार्केट, सभी मार्केट, ग्लोबल मार्केट का हाथ है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट का भी हाथ है, बाद में महंगाई का हाथ है, रेपो रेट का हाथ है, ठीक है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका हाथ है, सभी चीज का हाथ है, लेकिन उनको लगता है कि यार नहीं यार मेरा ही शेयर गिर रहा है, मेरा ही शेयर गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, उनको दिखता ही नहीं है, आग बंद है, बाहर देखते नहीं, एक शेयर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। आप बाकी भी चीजें देख लो, बहुत सारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड 25-25% गिरे है, आईटी फंड में मेरे एक फ्रेंड ने डाला हुआ है पैसा, 25% उनका फंड गिरा हुआ है, म्यूचुअल फंड 25% गिरा है, म्यूचुअल फंड 25 मतलब शेयर 50-50% गिरे, अकेला म्यूचुअल फंड 25% गिर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में लगाया पैसा, म्यूचुअल फंड को सेफ मान रहे थे, म्यूचुअल फंड भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये डिस्क्लेमर आप पढ़ते नहीं हो लग रहा है, मार्केट रिस्क बोल दिया मतलब रिस्क है, आपके पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं, रिस्क है, ये मत सोचो कि यार यहां से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, रिस्क भी है, डेब फंड में भी रिस्क है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, शेयर मार्केट में भी रिस्क है, एक शेयर में इन्वेस्ट करना भी रिस्क है, रिस्क है तभी तो यहां पर प्रॉफिट है, जा सबसे ज्यादा हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, ये कभी भी इक्वेशन याद रखना, ये रूल याद रखना कभी भी, जहां पर हाई रिस्क है वहां पर हाई प्रॉफिट भी है, लो रिस्क है, लो रिस्क कहां पर है, सेविंग अकाउंट में है, रिस्क ही नहीं है, चलो नो रिस्क है, नो रिस्क, सेविंग अकाउंट खोल के बैठ जाओ, आराम से पैसे बढ़ेंगे, या अभी एफडी रेट बढ़ गए, एफडी में पैसे लगा दो, ऑटोमेटिकली पैसे बढ़ेंगे, आपको पैसे बढ़ाना ही है ना, रिस्क ही नहीं चाहिए ना, आपका इन्वेस्टर का पैसा सेफ रखना है ना, से सिंपल चीज है, सेविंग अकाउंट ओपन कर लो अच्छे से, अच्छा, या एफडी खोल लो, बेस्ट है, आपको कितने परसेंट चाहिए रिटर्न्स, कोई शेयर मार्केट इतनी इजीली नहीं देता, जब शेयर मार्केट भाग रहा था, जब इतने रिटर्न दे रहा था, तब किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, अभी करेक्शन मोड में आ गया, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा यहां पर क्या हुआ है, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा है फॉरेन के इन्वेस्टर ने शेयर्स बेचे, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा एफआई सेलिंग जो हुई है, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा शेयर मार्केट में से, इंडियन मार्केट में से पैसा निकाला गया, बेचना चालू हुआ, एफआई ने पैसा ही निकाल लिए उनके, तो मार्केट गिरेगा, फॉरेन के इन्वेस्टर यहां से निकल रहे, क्यों निकल रहे उनको, क्योंकि रिस्क लग रहा है, वॉर हो रहा है, महंगाई दिख रही है, सब चीज दिख रही है, आज नहीं तो कल उनको निकालना ही था पैसा, वो निकाल देते, 2.5 लाख करोड़ उन्होंने निकाल दिया, तो मेन चीज यही है कि शेयर मार्केट गिर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है, और आपका शेयर गिर रहा है उसके पीछे भी बहुत सारी वजह होती है, और मैं मैनेजमेंट में घुस भी जाऊंगा ना तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि भाई वो बेच दे, तेरा पैसा सेव करना है, वो निकाल दे, यहाँ पे मैनेजमेंट में थोड़ा कुछ गड़बड़ी होने लगे, इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली, बेच दे, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, अगर चाहे मेरे को पता भी रहेगा तो, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में रहने के बाद कोई बता भी नहीं सकता है क्या होने वाला, कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है, हमको जस्ट जो रिपोर्ट दिख रहा है वही रिपोर्ट देख के हमको बताना पड़ेगा, हमको मैनेजमेंट में घुसने का अलाउड भी नहीं है, हम उसके शेयर होल्डर से, हम ऑनर है, हमको वोटिंग का राइट्स दिया है, ठीक है, वोटिंग का मेल आता रहेगा ना, कभी आप वोट भी कर सकते हो, राइट इश्यू ले सकते हो, बाकी बेनिफिट ले सकते हो, बस बाकी मैनेजमेंट में घुस के आप कुछ नहीं कर सकते, मैनेजमेंट में जाना है तो सबसे ज्यादा शेयर खरीद के घुस जाओ और मैनेजमेंट आपके हाथ में ले लो, जैसे वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के सबसे ज्यादा शेयर खरीद के मैनेजमेंट उनके हाथ में गया, फिर उन्होंने टेक्सटाइल कंपनी को इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दिया, ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी हुआ करती थी बर्कशायर हैथवे, और उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी बना दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर देखो आपके, अगर आपके ही शेयर इधर करोड़ों के हो गए, आपका भी स्टेक बन जाएगा, सबसे ज्यादा बन जाएगा, 1% आएगा, 2% आएगा, जो भी आएगा, या 0.5% आएगा, आप भी बड़े बड़े इन्वेस्टर में शामिल हो जाओगे, तो आपके पास भी उतना पैसा रह गया तो आप भी मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाओगे, ठीक है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर तभी तो इतना पैसा लगाते हैं और अच्छा कमा लेते हैं, और मेन चीज होता है कि मेन तो मैं यही मानता हूँ, सब कुछ अच्छा है बोल रहा हूँ ना, सब कुछ अच्छा मतलब फाइनेंशियल अच्छे है यही बता रहा हूँ, और टेक्निकली खराब है, सब कुछ अच्छा मैंने तो पहले से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये टेक्निकली वीक है, बाकी इसमें फाइनेंशियल इसके अच्छे है, फंडामेंटल तो अच्छे है, बिजनेस भी अच्छा है, ठीक है, मेजोरिटी चीजें अच्छी है, लेकिन टेक्निकली खराब है,
ठीक है, सब कुछ अच्छा बोल दिया तो फिर मैं टेक्निकली भी खराब नहीं बोलूंगा, ठीक है, सब कुछ अच्छा है टेक्निकली खराब नहीं बोलूंगा, टेक्निकली ये वीक है और टेक्निकली ओवरऑल मार्केट भी वीक है। तो मेन चीज आपको यही करनी है, कोई कितना भी बोले आगे से याद रखना, थोड़ा थोड़ा करके ही इन्वेस्ट करना किसी भी शेयर में, कितना भी कॉन्फिडेंट हो अभी लगा दो, इसके बाद 1 महीने में देखना, 2 महीने में देखना, 3 महीने में देखना, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, कितना भी कुछ बोले भाई साथ में तू भी लगा दे। अगर मेरा सुनते तो चले यार थोड़ा थोड़ा करके, आपका भी लॉस थोड़ा थोड़ा ही होता है, इतना लॉस तो नहीं होता, चलो परसेंटेज सेम होंगे बट इन्वेस्टमेंट तो 18-20 लाख एक ही शेयर में तो नहीं घुसे। जो भी मेरा पोर्टफोलियो 40 चार पोर्टफोलियो, हर एक कंपनी में अलग अलग शेयर से, हर एक पोर्टफोलियो में अलग अलग शेयर से, सभी में बराबर से डाइवर्सिफाइड है, किसी में 50 है, किसी में 40 है, किसी में 60-70 है, किसी में लाख रहेगा, लेकिन सभी पर अलग अलग डाइवर्सिफाइड है, किसी में एकदम से 8-10 लाख किसी में नहीं मिलेगा, क्योंकि पता होना चाहिए कि किसमें कितना लगाना है। ठीक है, तो मेन चीज यही याद रखो किसी भी शेयर्स में, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हर एक का अपना अपना इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इसीलिए मैं बताता नहीं हूं क्योंकि मेन चीज होता है कि हर एक का अपना अपना, अगर मैं बोलूंगा कि मेरा इतने का लॉस हो गया, चलो मैं बोल दूंगा मेरा 1 लाख रुपए का लॉस दिख रहा है, या मैं बोलूंगा मेरा 50 का लॉस दिख रहा है, लेकिन सामने वाले का शायद ज्यादा दिखता होगा क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। लेकिन मेन चीज है कि परसेंटेज बताना है कि यार मुझे भी 60% हो रहा है, आपको भी 60% हो रहा है, चलो आपको भी 50 हो रहा है, मुझे भी 50 हो रहा है, ओवरऑल मार्केट ही 50-60% गिरा है 1 साल के अंदर, तो बराबर है, हम 1 साल के लो पे ही खड़े हैं, तो कोई यहाँ पर कोई अलग चीज नहीं हो रही, अभी 1 साल के लो से ये ऊपर जाना चालू होगा तो हमको भी प्रॉफिट होगा, तो पेशेंस रखो। यहाँ पर यही कह सकता हूँ मैं, कितनी भी गहराई में बताऊँ कुछ भी बताऊँ, कल मैनेजमेंट जाके, मैनेजमेंट में कोई चोर निकला तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता, मैनेजमेंट से कोई किसी ने गड़बड़ी कर दी, किसी ने कुछ फ्रॉड कर दिया, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ। कॉफी कैफे डे का जो सीईओ था, ये था, उसने सुसाइड कर लिया, कॉफी कैफे डे का शेयर गिर गए, वो टेंशन में था, लोन के डे उसको लोन का कर्जा था, यही चीज होता है, अगर उसका मेन कोई इंसान भी चला जाता है, उसका डायरेक्टर ही निकल जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो प्रॉब्लम है कंपनी को, प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी किसी ने कुछ कर लिया तो हो गया, बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए आपको भी ये समझ में आना चाहिए, सिर्फ हम एक चीज कुछ ना कुछ पॉजिटिव है तो उसके भरोसे ही चल सकते मार्केट में, ये याद रखना, नहीं तो शेयर मार्केट आपके लिए है ही नहीं। और जिस जिस किसी ने म्यूचुअल फंड में भी जिस किसी ने इन्वेस्ट किया था, वो उनका भी कहना था कि यार अभी मुझे लग रहा है कि इसमें से प्रॉफिट हो गया तो इसके बाद मुझे डालना नहीं है पैसा, ये लॉस, क्योंकि लोग लॉस देख के फिर से दोबारा आते ही नहीं, ये हार मान के निकल जाते, तो शेयर मार्केट में इसीलिए बोलता हूँ ना, 8-10 साल आप भी खुद निकाल के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि आप खुद भी एक्सपर्ट बन जाओगे, मैं ही नहीं कहता, लेकिन आपके भी एक्सपीरियंस आपको हो जाएंगे, फिलहाल मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को जो बढ़ा चढ़ा के बता रहा उसके बारे में ज्यादा भरोसा था, उन पर ज्यादा भरोसा था, मैं बता रहा था तो ज्यादा किसी को भरोसा नहीं था, मैं शेयर बेचे जा रहा था जिसमें प्रॉफिट हो रहा है बेचे जा रहा था, लोग बेवकूफ समझ रहे थे यार क्यों बेच रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो रहा है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहिए, ये लॉस की वजह से, पता था आगे जाके लॉस हो जाएगा, ये भी शेयर अगर मुझे प्रॉफिट दिखता तो ये भी कब का निकल गया रहता। ठीक है, तो मेन चीज ये होता है कि जिस जिस में प्रॉफिट हो रहा था मैं तो निकलते गया, तो आपको भी यही करना था और नहीं किया तो आज बहुत लोग लॉस में गए। अभी मेन चीज है, अभी टाइम है खरीदने का, अभी जो जो नए लोग खरीदेंगे वो गारंटेड आगे जाके प्रॉफिट करेगी, क्योंकि ये शेयर 2 गुना 3 गुना भी हो जाता है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा उनका, मल्टीपेगर रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन जो पहले से इन्वेस्टेड उनके मल्टीपेगर रिटर्न नहीं होंगे, उनका एवरेज प्राइस आ जाएगा या उनके प्राइस से थोड़ा बहुत 10-20%, 30%, 40% प्रॉफिट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्राइस को नीचे लाया करो, मैं तो वही कर रहा हूँ, प्राइस को नीचे ला रहा हूँ, मेरा 132 का प्राइस था तो मैंने 130 तक लाया है उसको, और भी नीचे आएगा 100, ठीक है, तो और भी किसी शेयर में प्रॉफिट निकल गया तो ये शेयर, वो शेयर का कैपिटल डायरेक्ट इसमें डाल दूंगा, ज्यादा से ज्यादा डाल दूंगा। ठीक, तो मेन चीज यही कर रहा हूँ, तो सभी में क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करोगे तो, क्योंकि लोग किसी को नहीं पता रहता है, फिलहाल तो ये नेगेटिव न्यूज आई है उस वजह से और कितना गिरेगा ये किसी को नहीं पता, तो मेन ध्यान रखो कि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करके चलो, आपको आज भी लगेगा कि यार नहीं यार मैं और लॉस नहीं झेल सकता, आप निकल सकते हो,
कौन मना कर रहा है, लेकिन मैं खुद का बता रहा हूँ कि मैं होल्ड कर रहा हूँ, आपकी मर्जी आपको होल्ड करना है नहीं करना। मैं हमेशा से बताता हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ, ये शेयर मैंने खरीदा है मेरे पोर्टफोलियो में, बाकी आपकी मर्जी आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, मर्जी पे डाल देता हूँ, आपकी मर्जी होती है यार, आपका खुद का राइट्स है, आपके पैसे, आप थोड़ी मुझे पैसे आपके कुछ कमाई का मुझे कुछ देने वाले हो, कुछ नहीं दोगे। मैं यहाँ पर जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मैं मेरे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके कोई किसी ने देखो, आपने मेरा सुना रहता तो थोड़ा कम लॉस हुआ रहता, लेकिन और किसी का सुन के तो ज्यादा लॉस में हो, क्योंकि एकदम से ज्यादा पैसा डाला, थोड़ा थोड़ा डालते तो कैपिटल थोड़ा सा कम लग जाता, 20-30 हजार लग जाते हैं, 30-40 हजार लग जाते हैं, होता तो 10-20 हजार का लॉस, तो इतना कुछ नहीं लगता 10-20 हजार, शायद वो रिवर्स फटाक से कुछ ही महीनों में, कुछ एक साल में भी रिवर्स हो जाता, प्रॉफिट आ जाता, और भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। तो मेन चीज यही होती है कि आपको सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत जबरदस्त लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।